मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच चुके हैं। यहां वे स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद वे मलिन बस्तियों का निरीक्षण करेंगे। मंडलीय कार्यों की समीक्षा के बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ इनकी बैठक होगी। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली रवाना हो जाएंगे, जहां योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच गए हैं। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गेहूं क्रय केंद्र के निरीक्षण के साथ ही यमुना पर बन रहे रबर डैम का भी जायजा लेंगे। दोपहर 12:40 पर वे सीएम सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां 12:45 से 1:45 के बीच वे मंत्री और सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:55 पर वे मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे। यहां दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आगरा मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक होगी। शाम 4 बजे से 5 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और शाम 5 बजे खेरी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 5:20 पर योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। परिवहन निगम के बेड़े में एसी बसों की संख्या बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसमें वॉल्वो के साथ स्कैनिया और अधिक सीटों वाली नई एसी जनरल बसें भी शामिल हैं। नई एसी बसें प्रदेश को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने के साथ ही छोटे जिलों के बीच चलेंगी, जहां लखनऊ से गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, बहराइच और वाराणसी के लिए भी बसों की संख्या बढ़ाए जाने की योजना है। इन रास्तों पर भी बसों की संख्या बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है, जहां ट्रेन की सुविधा बेहतर नहीं है। एमसीडी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए कमर कस चुकी है। आज क्लीन डेली कैंपेन के तहत राजधानी की सड़कों पर डेरा सच्चा सौदा के 1 लाख वॉलंटियर्स के साथ बीजेपी ने मेगा सफाई अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत इंडिया गेट से हुई, जहां सफाई अभियान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ एमसीडी का पूरा अमला साथ देता नजर आया। सभी ने मिलकर दिल्ली की सड़कों के साथ नालियों को भी साफ किया। इधर कार्यक्रम में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम खुद हाथों में झाड़ू थामे नजर आए। कार्यक्रम में सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम के साथ केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और जनरल वीके सिंह भी शामिल हुए। साथ ही लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर शिरकत करने की अपील की गई। दिल्ली में सफाई अभियान के बाद वॉलंटियर्स के साथ दूध पार्टी होगी। इसमें लोगों को पीने के लिए गाय का दूध दिया जाएगा। दिल्ली में सफाई के लिए बीजेपी का मेगा प्लान है कि एक साथ दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग झाड़ू लेकर उतरें और दिल्ली की सफाई करें। इसके साथ संदेश बीजेपी देना चाहती है कि बीजेपी सफाई को लेकर कितनी संजीदा है। साथ ही जीतने के बाद यह सफाई अभियान एक शानदार शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। कि भाई कैसे गंदगी में रह के लोग कैसे बीमार हो जाते हैं, आड़ से आ जाता है, और कैसे स्वच्छ होने से वो क्या से क्या कर जाते हैं। तन मन की सफाई के लिए तो हम राम नाम की कथा करते हैं और 6 करोड़ लोगों का नशा छुड़ा चुके हैं। बचपन से एक ही विषय था जिसमें इंटरेस्ट नहीं, मतलब हम शामिल नहीं होते थे, और वो था राजनीति। बहुत बड़ा घराना था, लोगों ने कहा एमपी बनिए, एमएलए, लेकिन नहीं, क्योंकि राम इससे हमारी शुरू से प्रीत थी ईश्वर से, तो वो बचपन से वही प्रीत थी। और बाकी इस मसले में भी लोग जानते जा रहे थे। देश में 70 साल में नहीं हुआ गुरु जी, 7 साल दीजिए, आपके सपनों के दिल्ली बना करके हम लोग देंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक पुलिस पार्टी को निशाना बनाया। हमला अनंतनाग के नजदीक मीरा बाजार काजी कुंड इलाके में हुआ है। हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। मारे गए 4th शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी है। हमले में 3 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोग घायल हुए हैं। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इधर हमले के बाद इलाके में तलाशी अभियान छेड़ा गया है। आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार होने में कामयाब रहे। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ महीनों में हिंसा में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासकर दक्षिणी कश्मीर में आतंकियों ने एटीएम और मशीनों और बैंकों को निशाना बनाया है। इसके बाद इस इलाके में 40 बैंकों की शाखाओं में नगद लेन देन पर रोक लगा दी गई है। 4 मई को सेना ने शोपिया इलाके में एक बड़े आतंकवादी रोधी अभियान का बिगुल फूंका था। अभियान में करीब 4,000 सुरक्षा बल शरीक हुए थे। इसमें हेलीकॉप्टरों और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। अभियान का मकसद दक्षिणी कश्मीर के जंगलों में बेखौफ घूम रहे आतंकियों पर नकेल कसना था। इससे पिछले 15 सालों में घाटी में सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा था।
जम्मू और कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादियों से जूझ रहे सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की सहायता के लिए संतों कार्यकर्ताओं का एक जत्था रवाना होने की तैयारी कर रहा है। कानपुर के एक हिंदूवादी संगठन जनसेना के बैनर तले हजारों संतों का जत्था आज कश्मीर रवाना होगा। कश्मीर रवाना होने से पहले जनसेना विजय यज्ञ करने जा रही है, जिसमें उन्हें कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने की सोच पाली हुई है। इन संतों के साथ पत्थरों से भरा ट्रक भी जाएगा, ताकि पत्थरबाजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सके। इससे पहले जनसेना की ओर से इन कार्यकर्ताओं को पथराव से निपटने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। जनसेना के अध्यक्ष अरुण पुरी महाराजगंज जाजमऊ के सिद्धनाथ घाट गंगा के किनारे इन लोगों को पत्थरबाजी की ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। इस ट्रेनिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ये कार्यकर्ता पत्थरबाजों के पुतलों पर निशाना लगाते हुए देखे जा सकते हैं। जनसेना के प्रमुख चेतन महापुरी ने अपनी इस मुहिम को युद्ध विजय यज्ञ का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी से इजाजत मांगी थी कि कश्मीर में हमें पत्थरबाजों से दो दो हाथ कर जवानों का हौसला बढ़ाने दिया जाए, लेकिन इजाजत नहीं मिली। जिला प्रशासन ने भी इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे परिणामों की परवाह किए बगैर अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अगर उन्हें किसी ने रोका तो वे अपने अपने स्तर पर जाकर फिर से वहां जाकर एकजुट हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी कलह में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटा दिया। इसके साथ ही केजरीवाल ने दो विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कपिल मिश्रा ने आज बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। इस बीच कपिल मिश्रा दिल्ली के उपराज्यपाल से भी मिलने पहुंचे। शनिवार की शाम कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले और टैंकर घोटाले में उनके कुछ करीबियों के शामिल होने की बात कही थी। मिश्रा ने इस बाबत भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के चीफ को भी चिट्ठी लिखी और इस घोटाले में सबूत पेश करने के लिए वक्त मांगा। समझा जा रहा है कि मिश्रा रविवार को केजरीवाल के इन करीबियों के नामों का खुलासा कर सकते हैं। मेरी जो अरविंद जी से बात हुई थी उसके बाद ये निर्णय लिया गया उनके द्वारा, सारे डिटेल एलजी साहब से मिलने के बाद राजघाट पे जाके। कुमार विश्वास ने इशारों में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी की नई मुसीबत पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी निशाना साधा। मनोज तिवारी ने आप पर हल्ला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का यही काम है और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कोई आवाज उठाता है उसके साथ यही होता है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच के बातचीत का टेप सामने आने के बाद बिहार की राजनीति सुलग चुकी है। बातचीत में शहाबुद्दीन सिवान जेल से पुलिस की कार्यशैली के बारे में पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से फोन पर शिकायत कर रहे हैं। कथित ऑडियो बाहर आने के बाद विपक्षी दल बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान लालू यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने, चारा घोटाला मामले में उन्हें मिली सशर्त जमानत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की मांग करते हुए संबंध में राज्यपाल रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भी सौंपा। एक निजी टीवी चैनल ने लालू प्रसाद यादव की मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ फोन पर हुई कथित बातचीत का ऑडियो टेप जारी किया था, जिसमें शहाबुद्दीन रामनवमी के अवसर पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर सिवान के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ लालू से शिकायत कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार हत्याकांड और तीन भाइयों के हत्याकांड के मामले में पीड़ित पक्षों के आग्रह पर शहाबुद्दीन को सिवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया था, जहां राजद से चार बार सांसद रहे शहाबुद्दीन वर्तमान में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बिहार की महागठबंधन यानी कि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के सबसे ज्यादा 81 विधायक हैं। सर्वविदित है, मानते हैं कि शहाबुद्दीन जी के संबंध में और लालू जी के संबंध में भी है कि जब तक लालू जी का राज था, जंगल राज था, तो ये गंभीर मामला है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी जो उपदेश देते हैं, सुशासन की बात करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं, उसमें तो शराबबंदी का भी एक मामला है कि शराबबंदी जो करने जा रहा था वीडियो या सीओ वगैरह, उसको भी क्या कहते हैं कि धमकाया गया है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और नीतीश जी को इस पर जो है जुबान खोलना चाहिए। 22 देशों का एनआरआई दल अयोध्या पहुंचा। यहां उन्होंने विवादित परिसर में जाकर रामलला के दर्शन किए। 150 लोगों के इस एनआरआई दल में ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग समेत देश के कई भारतीय शामिल थे। दल के सदस्य अयोध्या में सरयू नदी स्नान कर हनुमानगढ़ी और कनक भवन में भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। दल कार सेवकपुरम भी गए, जहां पर
मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। दल के सदस्य कार्यशाला में भी पहुंचे। एनआरआई दल के सदस्यों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग की है। इधर दल के सदस्यों के साथ विश्व हिंदू परिषद के कई नेता अयोध्या दर्शन के समय साथ रहे। तीर्थ स्थान है वो हमारे लिए अयोध्या ही है रामचंद्र जी का, और हम ये साबित करने आए कि हम सब एक हैं। हम आपसे दूर रहते हुए भी हम आप लोगों के साथ हैं। अगर मंदिर यहाँ बनेगा जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ कृष्ण जी का मंदिर है, तो अयोध्या में राम जी का मंदिर क्यों नहीं? इसके लिए इतना स्ट्रगल किस लिए? जब पुलिस ही कानून को हाथ में ले ले तो आप रक्षा की उम्मीद कैसे करेंगे? ऐसी ही वानगी देखने को मिली मुरादाबाद में, जहां खाकी वर्दी में कानून को ठेंगा दिखाते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। कानून को अपने हाथ में लिया मामला मुरादाबाद का है, जहां जनपद में पुलिस दरोगा की गुंडागर्दी का सनसनीखेज वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। शराब के नशे में धुत एक पुलिस दरोगा ने नशा मुक्ति केंद्र जाकर पहले वहां इलाज कर रहे लोगों से जमकर मारपीट की, और उसके बाद दरोगा का विरोध कर रहे केंद्र के संचालक पर रिवॉल्वर तान कर उसे धमकाया। दरोगा की इस गुंडागर्दी को देखकर हर किसी के हाथ पांव फूल गए और संचालक ने किसी तरह से वहां से मौके से भागकर जान बचाई। पीड़ित संचालक के मुताबिक दरोगा जितेंद्र शराब का आदी है और एक साल पहले उसका इलाज किसी नशा मुक्ति केंद्र में परिजनों ने कराया था। शराब पीने के बाद जितेंद्र की दबंगई से परेशान उसका परिवार 3 बार उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा चुका है, और दरोगा को अब भी परिजनों ने भर्ती कराए जाने का अंदेशा था। इसके चलते वह संचालक को धमकाने पहुंचा था। जितेंद्र जी तो इनके मम्मी पापा बीवी इन्हें सेंटर में एडमिट कराते हैं। ये लगभग 3 बार मेरे यहाँ एडमिट हो चुके हैं, तो इन्हें ये मालूम था कि अब मैं अधिक नशा कर रहा हूँ, मेरे घर वाले मुझे सेंटर भेज देंगे। तो उस डर की वजह से इन्होंने मुझे डराया, धमकाया, गाली गलौज की, मुझे मारने का प्रयास करा। बोले अब ये नहीं होंगे तो मैं सेंटर जाऊँगा। मोहाली के सोहना गुरुद्वारे के पास पीसीआर कर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर इस मामले का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जो कि 1 मिनट 49 सेकंड का है। पीसीआर मुलाजिम के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने बस्ती पठाना के गांव कोवाला से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान कुलबीर सिंह, परमवीर सिंह और वकील खान के रूप में हुई थी। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद वर्दी में एक पुलिस वाले की लड़कों के द्वारा पिटाई की वजह से हो रही फजीहत को देखते हुए पंजाब पुलिस ने इसे एक पीसीआर कांस्टेबल को ढूंढा और फिर उसकी शिकायत के आधार पर मोहाली में मुकदमा दर्ज किया गया। हापुड़ में हाई टेंशन बिजली की लाइन की चपेट में आने से एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि ट्रक में बैठा एक युवक आग में झुलस गया। उसके बाद इलाज के लिए उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग की सूचना मिलते ही फायर विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उदयपुर के हिरण मगरी इलाके में चलती कार में अचानक आग लग गई। हादसे में कार सवार महिला जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार उदियापुर से हिरण मगरी की ओर जा रही थी और तभी उसमें अचानक आग लग गई। इस दौरान पीछे से आ रही एक व्यक्ति ने स्कूटी रोककर कार सवार महिला को बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन महिला को निकालने की कोशिश नाकाम रही और महिला की मौत हो गई। हैदराबाद में कपड़े के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में हिंडन नगर में एक एक्सयूवी कार गिर गई, जिसमें के 5 लोग सवार थे। 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और गाड़ी को भी बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन एक शख्स की इसमें मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 दोस्त वसुंधरा से एक पार्टी से लौट रहे थे और इस दौरान यह हादसा हुआ। बिहार के गया जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। करंट लगने से 23 लोग जख्मी हो गए। घायल लोग 12 जा रहे थे, सभी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। दरअसल बांके बाजार के बैताल गांव से 12 डुमरिया जा रही थी और इस दौरान बस सगडीहा गांव के समीप 11,000 वोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आ गई। इससे बस की छत पर बैठे 23 लोग झुलस गए।